अभी आपको बताया आमा जीर्ण, विदर्भ जीर्ण का उपचार बताया, अब विष्टभदाह जीर्ण के बारे में आप चर्चा करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो रोम छिद्र है, हेयर रूट्स पे जिससे पसीना निकलता है, उनको खोलना चाहिए और ये निकलेगा स्टीम बाथ से। स्टीम बाथ से उनके रोम रंध्र खोलने चाहिए। इसके लिए स्टीम बाथ का एपरेटस आता है, उसमें कर लें, अन्यथा किसी चारपाई पर लेट करके ऊपर से चादर ओढ़ करके नीचे भाप, नीचे चारपाई के नीचे भाप देने से भी पसीना आएगा, उससे वो हो जाते हैं। इसमें विष्टभदाह जीर्ण में ये जरूरी है कि ये वायु से होता है, तो इसलिए पहले तेल मालिश कर लेनी चाहिए। तेल मालिश और चिकने पदार्थों से पसीना निकाला जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा थोड़ा नमक मिलाकर नमकीन जल पीने से विष्टभदाह जीर्ण ठीक होता है। हरण, अजवाइन, सौंठ सम मात्रा में लेकर और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर भी सबको पीस के इस चूर्ण को पानी से इस्तेमाल करने पर भी विष्टभदाह जीर्ण ठीक हो जाता है। सौंठ, बड़ी इलायची, पीपल, दालचीनी, बंसलोचन, तेजपात और सौंफ, सौंठ, बड़ी इलायची, पीपल, दालचीनी, बंसलोचन, तेजपात और सौंफ, इन सबको एक एक तोला मात्रा लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर एक कपड़े में छान लें और एक पाव मिश्री की चाशनी बनाकर इसी चाशनी में मिलाकर चाटने से चाटने के लिए अवलेह बना लें और जब आग पर पक जाए तो अमृत पान में रख के सुरक्षित रख लो और अवलेह का एक तोला तक की मात्रा सेवन करने से वायु और पित्त का जो विष्टभदाह जीर्ण जीर्ण होता है वो ठीक हो।